धनबाद विधायक राज सिन्हा ने धनबाद के अनुमंडल पदाधिकारी के साथ सदर अस्पताल के क्वारंटाइन वार्ड का निरीक्षण किया। कुछ एक दो जो लोग आइसोलेशन में है उन लोगों ने मुझे फोन किया था कि हम लोग आज 12 दिन हो गया और उन लोग का रिपोर्ट भी निगेटिव आ गया है सैंपल में। तो हमने इसके साथ से बात किया था, उन लोगों का कहना था कि हम लोग को पानी मिल रहा है, न हम लोग की साफ सफाई हो रही, न बेडशीट बदला जा रहा है। तो हम आए थे इसीलिए एसडीओ साहब को लेके आए थे और आने पर देखे कि सच्चाई भी है। इन लोगों ने बताया कि न पीने का पानी है, न खाना मिलता है, न चादर बदला जा रहा है, गंदगी भी ऐसी चादर निकाल के बाहर रख दिया गया है, डस्टबिन भी सफाई नहीं हुआ है। इस प्रकार से यह अवस्था है। और सिविल सर्जन को आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया। चादर लोग कहेंगे रोज बदलना, पानी का व्यवस्था वाटर बोतल दे दीजिए लोगों को और अपना आरोप तो आज लगा ही दीजिए, तब तक एक एक मीटर का भी भिजवा दीजिए थोड़ा सा लोगों खाना जा रहा पानी खाने का भी नहीं दिया था, पानी खाना दिया था लेकिन पानी लोगों ने दिया कल सुबह दिया था, शाम में नहीं दिया। वही सुबह नहीं उसको पानी का ऑर्डर करवा देता है, पानी का डेली हो सफाई पर जितना चादर उधर निकाल करके जो है ना चार पाँच दिन का बाहर। लॉकडाउन की स्थिति में जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा केंद्रीय व्यवस्था बनाई गई है। समाज के वैसे लोग जो सहायता के लिए आगे आना चाहते हैं वे अपनी ओर से रणधीर वर्मा स्टेडियम के बगल में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में सहयोग कर सकते हैं। इसी क्रम में धनबाद विधायक राज सिन्हा ने 10 क्विंटल चावल और दाल के रूप में अपनी सेवा देकर इसकी शुरुआत की। इसके अलावा विधायक राज सिन्हा अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को अनाज बांटते दिखे। लगातार चौथे दिन चावल दाल के हजारों पैकेट लोगों के बीच बांटे। मौके पर विधायक राज सिन्हा ने कहा कि कोरोना से लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम सिर्फ घर बैठकर जीत सकते हैं। हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, हम घरों में बैठकर समाज की सेवा में लगे, डॉक्टर सफाई कर्मी प्रशासन और अन्य आवश्यक कार्यों में लगे, लोगों की सहायता कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे एक केंद्रीय व्यवस्था यहाँ खड़ी की जा रही है, कच्चा अनाज लोग यहाँ से दे और जिनको आवश्यकता है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि सब लोग आपस में बांटने लगते हैं अलग अलग, तो एक ही जगह रिपीटेशन भी हो जा रहा है। तो इस प्रकार से एसडीओ साहब ने एक बैठक करके इसमें व्यवस्था किया था, कच्चा खाना यहाँ से और पक्का खाना जो है वो गुरुद्वारा से, पटकुरिया में गुरुद्वारा जो है बड़ा गुरुद्वारा, तो उसके तहत हमने भी और यहाँ पे आज अपना पैकेट बना के 10 क्विंटल चावल और दाल, चावल दाल का पैकेट बना के हमने भी डोनेट किया है कि जिनको आवश्यकता हो वहाँ अपना